भी उस हमने शलवार को मुकम्मल तौर पे रेडी कर लिया है। तो अब हम इस कपड़े से डिज़ाइनर कमीज़ तैयार करेंगे। तो हमारी कमीज़ की तैयार लेंथ तीरे के बगैर 42 इंच है, तो हम इसको 44 इंच तक कट करेंगे। तो अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। व्यूज़ हमने 44 इंच तक लेंथ लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ टर्न कर लिया है। अब हम यहाँ से कट करेंगे। व्यूज़ अब हम कपड़े को सेंटर से कट करेंगे। अब हम दोनों साइड्स को अलहदा अलहदा टर्न करेंगे इस तरह से। ये सब हम यहाँ तीरे का साइज़ लेंगे और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमारा तीरा 10 इंच है। आर्म होल को हम 7.5 तक कट करेंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच यहाँ से शोल्डर कट करेंगे। यहाँ से हम 3 इंच तक रखेंगे। व्यूज़ हमारी चेस्ट है 25 इंच, तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ से कमीज़ के घेरे को गोल शेप देंगे। व्यूज़ अब हम इस कपड़े से स्लीव्स और तीरे की कटिंग करेंगे।
व्यूज़ हमारा आर्म होल 10.5 इंच है, तो हम इसको 11 इंच पे कट करेंगे। व्यूज़ स्लीव की फिटिंग को हम 6.5 इंच तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक शेप बनाते हुए कट करेंगे। व्यूज़ तीरे की चौड़ाई को हम 5 इंच तक लेंगे। और लंबाई इसकी कमीज़ के मुताबिक 20 इंच होगी। इस तरह से डबल करने के बाद 10 इंच होगी। व्यूज़ यहाँ से भी हम तीरे की एक साइड को कट कर देंगे। तो इसी तरह से तीरे की स्ट्रेट साइड बैक साइड के साथ अटैच होगी और इसी तरह से जो हमने शोल्डर को कट किया है इसकी एक साइड फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से जॉइन होगी। व्यूज़ अब हम फ्रंट पार्ट के सेंटर को सेट करेंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई हम 2 इंच तक लेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच तक लेंगे और इस तरह से गोल शेप देंगे। व्यूज़ अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से खोलेंगे और प्लेकेट के लिए यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे। तो प्लेकेट के लिए हम कट तकरीबन 12 इंच तक लगाएंगे। तो अब हम सेंटर से यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे कट लगाएंगे। व्यूज़ हमने कट लगा लिया है, अब हम प्लेकेट की तैयारी करेंगे।